वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। आज डे टू है, सेकंड डे में आ चुके हैं हम। पहले दिन हमने किया एक टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, आप लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। और आज हम करने वाले हैं माइक्रोवेव ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि माइक्रोवेव रीजन में एक मॉलिक्यूल जब जाएगा तो वो किस टाइप से बिहेव करेगा, क्या उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा या एब्जॉर्ब नहीं होगा, यही हम सीखने वाले हैं। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ लेके आई हूँ। चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर इग्नू का, जून सेशन का है 2018 का, और इसमें थर्ड के सीख का सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन, चाहे तो आप देख लीजिएगा जूम करके, मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ। प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल एब्जॉर्ब इन द माइक्रोवेव रीजन, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे आपको और ये पूछा जाएगा कि क्या ये मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव रीजन में एब्जॉर्ब होते हैं, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वही आज हम सीखने वाले हैं। और बात रही कल के वीडियो की, तो उसका भी है मेरे पास, जिस सेम क्वेश्चन पेपर में 4A में ये क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है हाउ मैनी नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन डू यू एक्सपेक्ट फॉर कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल दे रखा है और उसके लिए आपको पूछा है कि आप बताइए कि इसमें कितने नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे। यानी कल का वीडियो भी इम्पॉर्टेंट था और आज का वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन। अब आप सोच रहे होंगे ये एब्जॉर्प्शन माइक्रोवेव का, यानी कि हमारे घर वाला ही एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो मम्मी हमारे घर में खाना पकाती है और हम एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की दुनिया है, यहाँ पर सब कुछ अपने तरीके से होता है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल के तरीके से सीख लेते हैं कि माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा माइक्रोवेव रीजन में। तो इसको जानने के लिए डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डाइपोल मोमेंट का खेल कल हमने देखा था, आज फिर से देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट कैसे चीज़ों को चेंज कर देता है, कैसे डाइपोल मोमेंट जो है वो एक डिसीजन टेकिंग पॉइंट बन जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले समझा देती हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट पोजेस करता है तो क्या होता है। देखिए ये मॉलिक्यूल है और उसके ये दो एटम्स हैं, कोई भी एटम है, मैंने एक्स वाई जेड कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं, अभी तक तो सपोज ही कर रहे हैं, हम मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट हैं तो सपोज ही कर सकते हैं। बस देखिए ये जो है ये रोटेट हो रहा है, इसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, और ये रोटेट भी कर रहा है, यानी कि रोटेट होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब ये कौन से रीजन में है, ये रीजन मान लीजिए पूरा ये माइक्रोवेव रीजन है, तो इसके यहाँ पर माइक्रोवेव्स होंगी, माइक्रोवेव्स में कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होंगे और वही इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेंगे और एक स्पेक्ट्रा जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि व्हेन दीज टू थिंग्स इंटरैक्ट कम्स टुगेदर दे विल क्रिएट वन स्पेक्ट्रा, और जिस स्पेक्ट्रा के बेसिस पे हम बताते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसने एनर्जी इमिट की है या एब्जॉर्ब की है। यानी कि कंडीशन यही है कि माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन के लिए कि डाइपोल मोमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और मॉलिक्यूल जो है उसके पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन के बेसिस पे कि माइक्रोवेव रीजन में दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक होगा एक्टिव दूसरा होगा इनएक्टिव। तो एक्टिव वाले के लिए क्या कंडीशन है और इनएक्टिव वाले के लिए क्या कंडीशन है, उस चीज़ को अब हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो डे टू का वीडियो स्टार्ट हुआ है। माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन में माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, और अगर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है तो इंटरेक्शन जो होगा वो प्रोमिनेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे माइक्रोवेव रीजन में। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल है जिनके पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है उन मॉलिक्यूल्स का, जैसे Cl2 इनके पास डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जैसे H2 इसके पास भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, I2 इसके पास भी डाइपोल मोमेंट जीरो है,
यानी जिन भी मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो मॉलिक्यूल्स कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करेंगे माइक्रोवेव रीजन में. यानी माइक्रोवेव रीजन में अगर कोई मॉलिक्यूल एक्टिविटी शो कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि वो माइक्रोवेव रीजन में एक्टिव मॉलिक्यूल्स है और उसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है जिसकी वजह से इंटरेक्शन जो है वो प्रोमिनेंट है, और इंटरेक्शन प्रोमिनेंट होने की वजह से वो माइक्रोवेव रीजन में एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो ये तो मेरे पास डेफिनेशन था माइक्रोवेव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए. और फिर हम सीखने वाले हैं अब माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल का क्या डेफिनेशन होगा और क्या कंडीशंस होंगे जिनको अप्लाई करके हम ये बता पाएंगे कि एक मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन में एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा. माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम. इफ ए मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इंटरेक्शन इज प्रोमिनेंट एंड सेंट टू बी माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूल. यानी वो मॉलिक्यूल जिनके पास डाइपोल मोमेंट परमानेंट होगा और उनका इंटरेक्शन जो होगा प्रोमिनेंट होगा, तो वो सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो माइक्रोवेव रीजन में एक्टिव होंगे और उन्हें एक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाएगा. तो वो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? वो मॉलिक्यूल हो सकता है NO, इसके पास डाइपोल मोमेंट है, बिल्कुल है, ये इंटरेक्शन करेगा और इंटरेक्शन करने के बाद शो करेगा कि एनर्जी इमिट होने वाली है या एब्जॉर्ब होने वाली है, इस वजह से ये माइक्रोवेव रीजन में अपनी एक्टिविटी शो करने वाला है. इसके बाद SO2, इसके पास भी है अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट. इसके बाद HCl, बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है ये माइक्रोवेव एक्टिव रीजन में एब्जॉर्ब होने के लिए, ये HCl, क्योंकि इसका जो है वो हर बच्चा बच्चा जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट इसका कैसे निकालना है. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि इन दोनों के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और ये माइक्रोवेव रीजन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे. तो अब बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई थी कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. तो अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसको दोबारा से रब कर रही हूँ और उस क्वेश्चन को नोट डाउन करती हूँ. Cl2, यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर था, जो इस क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन था, ये मैंने सेम टू सेम यहाँ पे नोट कर दिया है आपके लिए. एक बार मैं पढ़ के सुना रही हूँ और फिर मैं बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है. सॉल्व करने का वही अपना पुराना वाला तरीका है, एक्टिव देखेंगे, इनएक्टिव देखेंगे. अगर एक्टिव है तो यस करेंगे और इनएक्टिव है तो नो करेंगे. प्रिडिक्ट वेदर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल एब्जॉर्ब इन माइक्रोवेव रीजन. और हमारे पास है चार मॉलिक्यूल्स, CO, SO2, NO और Cl2. बहुत ही ईजी है, यहाँ पे आप येस और नो लिख सकते हो. लेकिन अब हम BSc के स्टूडेंट हैं, थोड़े बड़े लेवल पे आ चुके हैं, तो थोड़ा इसको डिफाइन भी करेंगे कि किस तरीके से होने वाला है. क्योंकि एग्जामिनर जब हमें 2 मार्क्स देंगे ना, तो उनके पास भी कुछ होना चाहिए कि किस वजह से वो हमें 2 मार्क्स दे रहे हैं. सिर्फ येस और नो, हमने कुछ समझा क्या नहीं समझा, ये कैसे पता लगेगा? तो इसको बताने के लिए क्या है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, सभी जानते हैं इसके पास डाइपोल मोमेंट है अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट. यहाँ पर आप लिखेंगे परमानेंट डाइपोल मोमेंट. और जिस रीजन की वजह से ये होगा, यस, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये जब माइक्रोवेव रीजन में जाएगा तो वहां पर एब्जॉर्ब होगा, यस. अब सब में मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, वैसे लिखना जरूरी नहीं है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है इसलिए यहाँ है. और जिसकी वजह से ये जो है, ये वाला मॉलिक्यूल माइक्रोवेव रीजन में जाते ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहाँ पर अपनी एक्टिविटी शो करेगा. यानी ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये एक्टिव मॉलिक्यूल है. इसके बाद SO2 की बात करें, इसके पास भी सेम परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और इसीलिए इसके साथ भी स्टेटमेंट है यस. NO, सेम थिंग, दोबारा से इसके पास भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ये भी शो करने वाला है. अब Cl2 की बात करते हैं, इसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम दिस मॉलिक्यूल इज इनएक्टिव. In microwave
रीजन, यानी कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है इनएक्टिव है माइक्रोवेव रीजन में, जिसकी वजह से ये जो है वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये कोई भी एक्टिविटी इस रीजन में जाने के बाद अपना शो नहीं करेगा। यानी कि कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी मैं छोटे छोटे वीडियोस इसलिए ला रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक बार बूस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि CHE1 के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है अपने फ्रेंड से कि एक बार में ये कंप्लीट नहीं होता है, एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बस मैं भी वही कर रही हूँ, आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा हाई लेके जाते हैं। इसके बाद वो सारे टॉपिक्स भी करेंगे जो थोड़े लेंदी हैं, अभी ये छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं हम। जैसे आज हमने किया माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन का, कल हमने किया था नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, और आगे भी हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आएंगे जो आपको नंबर दे करके चले जाएं। ऐसे टॉपिक नहीं होने चाहिए जिनको आप समझते रहें और थोड़ी सी गलती हो और मार्क्स कट जाएँ। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको मार्क्स दे करके ही जाएंगे और एग्जाम में ये जरूर आते हैं। मैंने आपको अभी दिसंबर का एक एग्जाम का पेपर भी दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके आई हूँ पिछले 10 साल के। किसी ने इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए तो आप एक सब्सक्राइब तो बनता है इस वाले चैनल के लिए। और वन मोर थिंग कि जो मैंने स्टडी किया है और अपने कॉन्फिडेंस और अपने एक्सपीरियंस पे मैं ये सारे वीडियोस लेकर के आ रही हूँ, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पता लगे हैं जो कि अल्टरनेट आते हैं, यानी इस बार जून में आए तो दिसंबर में उसका दूसरा वाला और फिर जून में वही वाला, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं। जब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।